नॉमिनल एक्सचेंज रेट डियर स्टूडेंट्स अब तक हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हमने क्लोज्ड इकॉनॉमी पर फोकस किया था क्लोज इकॉनॉमी एनालिसिस को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है लेकिन इन रियल वर्ल्ड आप जानते हैं दुनिया में कोई भी इकानमी क्लोज इकॉनोमी नहीं है हर इकॉनॉमी का बाकी दुनिया के साथ इकनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं ये इकनॉमिक रिलेशनशिप जो हैं ये ऑबियसली इसके कुछ एडवानटेज़स भी हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी एडवानटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं तो उसको डिस्कस करने के लिए अब हम ओपन इकॉनमी को स्टार्ट करेंगे और ओपन इकॉनॉमी में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट हम इससे बात स्टार्ट करेंगे तो आज हम बात करेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट टेल्स हाउ मच फॉरेन करेंसी यू कैन ऑब्टेन विद वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या आपके जो भी यूनिट है हमारी करेंसी का फॉर एग्ज़ाम्पल रुपए हमारा यूनिट है तो एक रुपये के बदले में हम फॉरन करेंसी कितनी ले सकते हैं डॉलर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रुपये के बदले में कितना ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ रुपीज थ्री हंड्रेड पर डॉलर वन डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज़ ओके ट्रांजेक्शन बिटवीन करेंसीज टेक प्लेस इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट और ये जो एक्सचेंज रेट है नॉमिनल इसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है एक ये है कि वी डिनोट द नामिनल एक्सचेंज रेट या सिंपल अगर हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं तो उससे मुराद नामिनल एक्सचेंज रेट होता है एस ई नॉम इन यूनिट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी यानी जैसे अगर अमेरिकन एक डॉलर पाकिस्तान के तीन सौ रुपए के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक रुपये जो है वो अमेरिकन पॉइंट थ्री सेंट के इक्वल होगा सो so हम आप देखते हैं कि हमारे जो करेंसी है उसका एक यूनिट फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स के इक्वल है सेकंड जो वे है वो ये है कि वी डिनोट द नामिनल एक्सचेंज रेट एज ई नॉम इन यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी तो पाकिस्तान में तो आप जानते हैं यही हमारा कन्वेंशनल और फेमिलियर हैं जिससे हम कि हम कहते हैं कि जी एक डॉलर पाकिस्तान के तीन सौ रुपए के बराबर हैं तो ये दो मुख्तफ वेज हैं पहला जो वे है वो ज़्यादा हमें सूट करेगा तो हम उसी को फॉलो करेंगे सो अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड एंड मे चेंज एवरी डे दिस इज़ द करंट सिस्टम फॉर मेजर करेंसीज दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ये टाइप है और दूसरी फिक्स एक्सचेंज रेट है तो आज कल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे मुल्क जो है इसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही फॉलो कर रहे हैं इन द पास्ट मैनी करंसीज ऑपरेटेड अंडर फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट्स फार डिटर्मन बाई द गोर्मेंट्स फ्लैक्सीबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मन होता है बाई द जो इकनॉमिक्स का सिम्पल प्रंसिपल है बाई द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जबकि फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गोर्नमेंट या गोवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का अदारा उसको डिटर्मन करता है द एक्सचेंज रेट्स फार फिक्सड बिकॉज द सेंट्रल बैंक्स इन दोज कंट्रीज ऑफर्ड To buy or sell the currencies at the fixed exchange rate. Examples include the gold standard, which operated in the late 1800s and early 1900s, and the Bretton Woods system, which was in place from 1944 until the early 1970s. Even today, the major currencies are in a flexible exchange rate system. सम स्मॉलर कंट्रीज आर स्टिल फॉलोइंग दिस फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम सो हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटर्मन ट्रेडिंग इन करंसीज द कर अराउंड द कलॉक सिंस मार्किट्स इज ओपन इन सम्री एनी डे एनी टाइम ऑफ द डे तो पूरी दुनिया में जो एक्सचेंज करेंसीज का एक्सचेंज होता है ये इनकी मार्किट्स हैं तो दुनिया के हर वक्त किसी न किसी दुनिया के रिश्ते में कोई ना कोई नहीं, मार्केट ओपन होती है और करेंसी एक्सचेंज हो रही होती एक्सचेंज रेट फिर दो तरह के हम बात करेंगे नंबर एक है द स्पॉट रेट इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी ट्रेडिड फॉर अनादर इमीडिएटली एट द स्पॉट दूसरी जो टाइप है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी ट्रेडिड फॉर अन अदर एट अ फिक्स डेट इन द फ्यूचर ठीक है फॉर एग्जाम्पल के एक माह के बाद या दो माह के बाद एक डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर होगा तो ये दिस इज़ कार्ड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अ पैटर्न ऑफ राइजिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सजेस्ट डेट पीपल एक्सपेक्ट द स्पॉट रेट टू बी राइजिंग इन द फ्यूचर सो अगर फॉरवर्ड रेट इंक्रीज कर रहा है तो इस ये किस बात को इंडिकेट करेगा ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो स्पॉट रेट है उसमें इंक्रीज़ कर जाना है सो so, ये एक एग्ज़ाम्पल है यू एस डॉलर की जिसमें यू एस डॉलर जो है वो ब्रिटेन के पाउंड के साथ उसका स्पॉट रेट था पॉइंट सिक्स थ्री नाइन्टी डेज़ का फारवर्ड रेट था पॉइंट सिक्स थ्री फाइव नाइन और स्पॉट रेट था पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स सिक्स इसका मतलब ये हुआ कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट थ्री मंथ्स में जो इसका रेट जो है वो कम होगा यानी ये करेंसी वीक होगी और वन एटी डेज़ में अगेन पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स थ्री यानी वो समझ रहे हैं कि फिर उसके वाद वाले पीरियड में इसमें इजाफा हो जाएगा और फर्दर उसमें इजाफा हो जाएगा इसी तरह ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी के साथ उसका एक्सचेंज रेट है सो स्पॉट रेट इस पॉइंट नाइन थ्री फाइव सिक्स स्पॉट रेट का मतलब ये कि एट दैट वेरी मोमेंट जिस लम्हे ये रिकॉर्ड किया गया उस वक़्त ये ट्रेड हो रहा था इस रेट पर लेकिन नाइन्टी डेज फ्यूचर में जो रेट था वो था नाइन थ्री टू सेवन यानी ये नाइन थ्री फाइव सिक्स है यह कम हो गया इसका मतलब ये है कि ये एक्सचेंज रेट इसमें कमी वाकई हो रही है इसके बदले में कम स्विट्ज़रलैंड की करेंसी फ्रांस में लेंगे और नाइन टू एट नाइन फर्दर इसमें कमी हो रही है नाइन वन फाइव नाइन फाइव इसमें यानी आने वाले दिनों में इसमें कमी होती जा रही है मुसलसल इसी तरह एक और एग्जांपल है जेपनीस येन की तो इसका स्पॉट रेट है वन डबल टू पॉइंट फाइव जीरो और फ्यूचर जो रेट्स हैं वन डबल टू पॉइंट टू एंड वन डबल टू पॉइंट ज़ीरो थ्री एंड वन टू वन पॉइंट फोर के इसके रेट्स में कमी आती जा रही तो ये स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट्स और नामिनल एक्सचेंज रेट के बारे में आज हमने बात की नेक्स्ट में हम रियल एक्सचेंज रेट पर बात करेंगे थैंक यू